नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। भाई साहब, ये सामने जो आपको दिख रहा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। गर्मी में इसकी गर्दन देखो आप, कैसे खा 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 कर रही है। जूम करके देख दिखाता हूँ, देखो कैसे, मतलब पंप की तरह मुंह खुला है इसका। मतलब पंख इसने थोड़ी थोड़ी खोल रखी हैं। पहले मतलब सर्दियों में देखना एकदम चिपकी हुई रहती हैं। आप हमारे ही इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने और भी वीडियोस काफ़ी मोर के बारे में डाली हुई है। तो ये देखिए, इस वीडियो में जो है ना, हम ये दिखा रहे हैं कि जब मोर को गर्मी लगती है तो वो कैसा हो जाता है, किस तरह का वो आचरण करता है, किस तरह का उसका व्यवहार होता है, वो आप इस वीडियो में इस वक्त देख सकते हैं। इस वक्त जो है ना, समय है शाम का, और गांव में शाम का समय मतलब थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है हर किसी को, चाहे वो बेजुबान हो चाहे वो इंसान हो। फिर भी शाम के समय में भी आप देख सकते हैं ये बेजुबान कितना हताशा है गर्मी से। आप खुद देखिए इसकी पंखे कितनी इसने खोल रखी हैं ताकि इसको थोड़ी हवा लग सके। इसने मुंह अपना खोल रखा है ताकि अंदर की गर्मी बाहर आ सके। पंखे एकदम ढीली छोड़ दी हैं इसने। शाम को जब ये सोने के लिए जाते हैं तो इनका घर कहाँ है, वो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे। अभी हम लेके चलते हैं दूसरी क्लिप में, और ये जो खम्बा दिख रहा है इसी के ऊपर ये मोर देखना, अब वहाँ से हिल चुका है और जो सामने मेरे राइट साइड में एक खम्बा है उसके ऊपर ये जाके बैठेगा और पूरी रात उस खम्बे के ऊपर अपनी गुजार देगा। मतलब वहीं पे सोएगा और सुबह उठते ही वहाँ से उड़ के वापस आ जाएगा। देखना अब ये उड़ान भरेगा तो कैसा लगता है। आप अपनी नज़रें गड़ाए रखना, बिल्कुल भी मिस मत करना एक मोर की उड़ान को। देखना कैसे ये उड़ान भरता है और कैसे ये मतलब टेक ऑफ और नीचे फिर बैठता है, ये सब आप देख लेना। तो अभी देखे, ये पहले मुआयना कर रहा है कि जहाँ से मैं उड़ान भरूँगा मेरे बीच में कुछ अवरोध तो नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो ये उधर जाएगा पहले, थोड़ा सा वहाँ से मुआयना करके फिर इधर आएगा, क्योंकि बड़ा हैवी शरीर है तो ऐसे नहीं एकदम से उड़ान भर सकते। अड़चन ना आए, कुछ बाधा ना आए रास्ते में, इसलिए मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो ज़िंदगी में, कुछ भी करना हो तो मुआयना तो करना ही चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें मुकाम चाहिए, तो ये तो पक्षी है फिर भी देखो ये मुआयना कर रहा है। हम इंसान ऐसे मुंह उठा के कुछ भी कर देते हैं और फिर बाद में हमें बहुत पीड़ा होती है। तो आप पहले देखिए, अब ये फॉर्म में आ चुका है। अब देखना एक चक्कर और काटेगा शायद ये। हाँ, एक चक्कर और काट दिया इसने, पूरा मुआयना इसका कंप्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा सा और बीच में वायर आ रही है अपना, बढ़िया से ये जो है ना यहाँ से उड़ेगा और बैठ जाएगा खम्भे पे, पूरी रात वहाँ गुजारेगा और फिर सुबह उठता है तो कैसा क्या माहौल रहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी देखो देखो, उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है ये, परंतु इसको थोड़ा सा डर है। देखो अब उड़ेगा उड़ेगा, अल्ले। तो आपने देखा कि कैसे एक मोर उड़ता है, ये इसकी रात का ये घर है। और ऐसे ही है ना, यहाँ पे चार पांच खम्भे हैं, हर खम्भे पे एक मोर बैठता है और सबका अपना अपना फिक्स है। इनको पता है कि ये मेरा है, दूसरे को पता है वो मेरा है। जैसे हम इंसानों को हमारे घर का पता रहता है, वैसे ही इन बेजुबानों को भी अपने घर का पता रहता है। तो ये देखिए, यह अपने घर पे बैठ चुका है, अब पूरी रात यहीं गुजरने वाली है। और बाकी नाचने की वीडियो हम अपने चैनल पे डालते ही रहते हैं, आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना। एक मोर और भी है, वो थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए सामने। अब वो भी यहाँ से उड़ेगा और वो जो सामने खम्बा आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोल, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। मतलब ये सबके अपने फिक्स घर हैं, कोई एक दूसरे के घर पे नहीं जाता। तो आप खुद देखना, ये भी उड़ेगा अभी। वो कैसे उड़ा था ये थोड़ा दूर, ये देखिए मतलब कितना मतलब आराम से ये जाते हैं अपने घर पे बैठते हैं, पूरी रात यहाँ पे बिताते हैं और दोबारा जब सुबह आते हैं तो इनका नाचने का भी एक फिक्स अड्डा होता है, मतलब जगह होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप इन मोरों के लिए दो शब्द ज़रूर कहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करो। धन्यवाद भाई।